10% ही की पेमेंट लोगों को मिल पाया होगा जो कि सेबी के थ्रू मिला है, वो भी सारा के थ्रू नहीं मिला, जिन्होंने सेबी में कंप्लेन की है, सेबी में जो भी अर्जी लगाई गई है उसके अकॉर्डिंग उनको अपने पेमेंट इन्वेस्टर को मिले हैं, लेकिन इसकी संख्या 5% या 10% के बीच में है। आज भी हमारा 90 से 95% कस्टमर का पैसा होल्ड पड़ा हुआ है जो कि अभी तक मैच्योरिटी में नहीं मिल पाया है। आज मैच्योरिटी को हमारे हर किसी भी सिस्टम की जो मैच्योरिटी थी, चाहे वो आरडी की हो, एमआईएस की हो या एफडी की हो, सबकी मैच्योरिटी ओवर हो चुकी हैं। किसी के 2 साल हो गए, किसी के 5 साल हो गए, किसी के 9 साल हो चुके हैं। तो ये धीमे धीमे पैसा सब होल्ड हो गया है और अभी किसी की मैच्योरिटियाँ नहीं हुई हैं। तो बात हम यहाँ सेबी की कर रहे थे, तो सेबी का जो मेन मुद्दा था वो एक गवर्निंग बॉडी है, क्योंकि उसी की परमिशन से ही आपको कोई लाइसेंस मिलता है और उस लाइसेंस को आप उसी हिसाब से चला सकते हैं, और उसमें कोई भी चेंजेस अगर आप करते हैं तो पहले आपको सेबी में एक सर्कुलर जारी करना पड़ेगा, एक नोटिस जारी करनी पड़ेगी। अगर सेबी इसको अप्रूव करती है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अन्यथा उस स्कीम को आप बंद ही करेंगे, आप उसमें कोई भी अपनी तरफ से कोई भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मेन मुद्दा जो हमारे बताने का था यहाँ पे कि जो सारा सेबी मैटर जो चल रहा है उसमें आप लोगों ने ये पूछा कि सेबी का काम क्या है, तो मैंने आज इसको आपको एक्सप्लेन करके बताया कि सेबी का आपका यहाँ पे मैटर क्या था और सेबी इस पर क्या काम कर रही थी। तो दोस्तों, जो भी हमारे आज की डेट में सारा सेबी के अकॉर्डिंग जो काम चल रहा है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पेमेंट अभी तक लोगों के रुके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ऊपर से सेबी ने ऑलरेडी उनको बोल दिया है कि आप किसी भी स्कीम पे काम नहीं करेंगे, और जो भी चीज़ें हैं आप जितना भी पेमेंट अगर आपने लिया हुआ है इन्वेस्टर का तो वो पेमेंट आप उनको कर दें। लेकिन अभी भी वो दुविधा पड़ी हुई है, क्योंकि पेमेंट वहाँ पे रातों रात ट्रांसफ़र कर दिए गए लेकिन वो पेमेंट किसी को नहीं किए गए, और वो पेमेंट अब आगे किस तरीके से होंगे ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इन्वेस्टर का पैसा तो ऑलरेडी फंस चुका है और अभी भी फंसा हुआ है। आज हमारा इन्वेस्टर तो बहुत ज़्यादा दुखी है, निराश भी है कि उसका पैसा इतने लंबे समय से फंसा हुआ है और उसको उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, जो सेबी हमारा है तो बस उसका बस मेन काम था कि ऊपर से उसको ऑब्जर्वेशन करना, उस पर निगरानी रखना, जो कि वो कर रही है। उसने आगे की स्कीमों को ऑलरेडी बंद करके रखा हुआ है, लेकिन आज भी हमारे जो सारा के अकाउंट्स हैं, डेली डिपॉजिट हैं, वो आज भी चल रहे हैं, उसी बेस पे चल रहे हैं, लेकिन ऊपर से इसके लिए कोई परमिशन नहीं है। और हमारे सिटी के जितने भी ऑफिसेज हैं वो भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऑफिसेज हमारे एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग बढ़ गई थी, वहाँ का रूम रेंट हो गया, हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका नेट के चार्जेस हो गए, कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं उनके चार्जेस, मतलब उनकी सैलरी वगैरह हो गई। तो इन सबको देखते हुए इसको कम करने के लिए कुछ ब्रांचों को एक दूसरे में मर्ज कर दिया गया है, बल्कि ब्रांचें कोई बंद नहीं हुई हैं, बस दो दो तीन तीन ब्रांचें एक ही में आ गई हैं।